नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार। ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें जो भारत के हर नागरिक को जाननी बेहद जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर है, बंद हो गया आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, पैसे निकालने के लिए करिए यह काम। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन के एम पैसा बंद होने के बाद अब वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम ने आदित्य बिरला पेमेंट बैंक लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है। पेमेंट बैंक के शुरुआत होने के बाद 17 महीने के बाद वोडाफोन आइडिया ने यह फैसला लिया है। बैंक के कर्मचारियों का आदित्य बिरला ग्रुप के अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से यह जानकारी में कहा गया है। वोडाफोन ऑफ डायरेक्टर ने बिजनेस बंद करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूव भी मिल गया है। आपको बता दें कि दोस्तों 26 जुलाई के बाद आप खाते में किसी तरीके की राशि जमा नहीं कर पाएंगे। ग्राहक नंबर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर फोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और आप ईमेल पर भी भेज सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट यूजर्स को देगा चेतावनी, नहीं संभाले तो अकाउंट होगा डिलीट। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया भर में यूजर्स इंस्टाग्राम के खिलाफ नीति उल्लंघन का हवाला देते हुए बिना किसी स्पष्टीकरण के अकाउंट को बंद करने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फोटो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में अब यूजर्स को उनके अकाउंट को डिलीट करने से पहले उन्हें चेतावनी देने का फैसला किया है। इंस्टाग्राम एक नया चेतावनी अलर्ट जोड़ रहा है जो उपभोक्ताओं को उनकी पोस्ट, कमेंट और स्टोरीज की हिस्ट्री दिखाएगा, जिसमें प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। आपको बता दें कि वर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक संशोधन नीति के अनुसार अगर यूजर्स आगे भी इसी तरीके के सामग्री पोस्ट करता है तो ऐप के गाइडलाइन के खिलाफ होगा और उसका अकाउंट अस्थायी रूप से डिलीट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि अब आप घर बैठे कर सकेंगे ट्रैफिक चालान का भुगतान, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे ट्रैफिक चालान जमा कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अतुल्य पटनायक ने शुक्रवार को ई चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इस सिस्टम के जरिए वाहन चालानों का चालान रजिस्ट्रेशन वाहन के नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर पर SMS के जरिए भी पहुंचाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन वाहन के पते पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए वे किसी भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक नेट बैंकिंग के भी चालान का भुगतान कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह विकास किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि भारत नेपाल के बीच बनेगी 18.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, परियोजना को मिल गई है अंतिम मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित 18.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए भारत ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नेपाल को सौंप दी है। यह रेल लाइन भारत के रूपतैदी और नेपाल के कोलाहलपुर को जोड़ेगी। भारत के रूपतैदिया और नेपाल के बांके के कोलाहलपुर के बीच प्रस्तावित सीमा पार रेल लाइन पर भारत के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट किए जाने के बाद नेपाल सरकार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के रुपैदिया से 18.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण शुरू होगा और जसपुर और इंद्रपुर, गुरुवाव और हवलदार से होकर के यह नेपाल के कोलहर के समाप्त होगा। बाकी जिला प्रशासन की ओर से DPR में प्रस्तावित रेल ट्रैक ईस्ट वेस्ट हाईवे और पोस्टल हाईवे के बीच समानांतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि अब आप DTH के सेटअप बॉक्स की भी करानी होगी KYC। ट्राई ने मांगी है सुझाव। जी हाँ दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DTH के सेटअप बॉक्स की नो योर कस्टमर कराने को लेकर के कंसंट्रेशन पेपर तैयार कर दिया है। ट्राई ने इस पेपर से संबंधित पक्षों में सुझाव जानने के लिए यह पेशकश किया है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई में एक निर्देश में कहा था कि इससे पहले DTH सेवाओं के लिए सेटअप बॉक्स की KYC कराने के लिए सिफारिश मांगी थी और साथ ही KYC कराने के लिए पूरी प्रक्रिया बताने को कहा था। ट्राई के एक अधिकारी के अनुसार इस कंसंट्रेशन पेपर पर संबंधित पक्ष 19 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि कोई काउंटर कमेंट देखना चाहता है तो वो 2 सितंबर तक अपने कमेंट भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या सुझाव है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में निधन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया है। उनकी उम्र 81 वर्ष की थी और वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। शीला के एक्सकोट फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 दिन तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक जताई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि अब कभी भी ले सकेंगे रेल टिकट। रेल मंत्रालय ने शुरू किया यूटीएस ऐप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के यूटीएस ऐप यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप को सेवा को पूरे देश के लिए लॉन्च कर दी है। यूटीएस ऐप के जरिए अब आप पूरे देश में कहीं भी 5 किलोमीटर के दायरे में अपने मोबाइल से ही आरक्षित यानी कि जनरल टिकट प्लेटफॉर्म टिकट पर बुक कर सकेंगे। इस ऐप के शुरू होने से टिकट खिड़कियों पर लगने वाली लंबी लाइन कम हो जाएगी और रेल यात्रियों को बिना भागदौड़ के आसानी से यह टिकट मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 1 महीने में 3 पायदान नीचे खिसका भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में पहुंचा 126वें स्थान पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 1 महीने में 3 पायदान नीचे खसक गया है। स्पीड टेस्ट कराने वाली कंपनी ओकला ने स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अपडेट जारी किए। इसके मुताबिक जून माह में भारत मोबाइल और फिक्स ब्रांडेड स्पीड परफॉर्मेंस के 3 पायदान नीचे खसक गया है। अब भारत पूरी दुनिया में फिक्स ब्रांडेड स्पीड के मामले में 74वें स्थान पर आ गया है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 126वें स्थान पर है। मई में भारत फिक्स ब्रांडेड के 71वें और मोबाइल स्पीड के मामले में 123वें स्थान पर था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि बिना लाइसेंस कर सकेंगे कारोबार, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करते हुए सरकार भारत को विश्व बैंकिंग की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में विश्व के टॉप 50 में ले जाना चाहती है। कैबिनेट नोट के अनुसार मंत्रालय और विभाग यह बताएंगे कि कहाँ पर लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है और इससे एक आसानी प्रक्रिया में बदला जा सकता है। नोट से सुझाव में किया गया है कि यहां तक कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है, वहां पर न्यूक्लियर का प्रावधान किया गया है और साथ ही विभाग के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सही कारणों के साथ आसान करने के लिए भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक की ओर से हर साल वैश्विक स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक रैंकिंग जारी किया जाता है। पिछले साल भारत ने 190 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें से 2018 में भारत की रैंकिंग 17वें स्थान पर थी और 2017 में भारत 100वें स्थान पर था। दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि 11,000 रुपए के केरल घूमने का है मौका, 6 दिन का है टूर पैकेज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दक्षिणी राज्य केरल की खूबसूरती देशी विदेशी पर्यटकों को खूब लुभाती है। केरल अपने कल्चर के लिए भारत भर में मशहूर है। अगर आप भी केरल घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो IRCTC का टूर पैकेज आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। IRCTC 11,380 रुपए के केरल का टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। इस टूर पैकेज के तहत ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के तहत थर्ड AC क्लास का टिकट आने जाने के लिए दे रहा है। अब आप वेबसाइट पर IRCTC की वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि टमाटर ने किया दिल्ली वालों को लाल, 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है दाम। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर के भाव से लोगों को गुस्से से लाल कर दिया है। दिल्ली में खुदरा बाजारों में टमाटर का दाम 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। केंद्र में राजधानी में टमाटर की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के इरादे से शुक्रवार को सरकारी कंपनी मदर डेयरी ने टमाटर की उपलब्धता बढ़ाने और 40 रुपए किलो के भाव से बेचने को कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली सरकार ने व्यापारियों और लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने वाले मंडियों में टमाटर की सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने को कहा है और ताकि कीमत न बढ़े। बताया जा रहा है कि आपूर्ति की कमी की वजह से टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देश के अन्य कई इलाकों में टमाटर के दाम काफ़ी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार, असम और केरल में बाढ़, बारिश ने अब तक 143 की मौत, 1.2 करोड़ लोग प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मौत हो गई है और कुल मरने वालों की संख्या 92 तक पहुंच गई है। वहीं बात करें असम की, तो असम में 24 घंटों के दौरान 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल वहां पर मरने वाले संख्या 48 हो गई है। वहीं बात करें केरल की, तो राज्य की 4 बांधों के दरवाजे खोल दिए गए हैं जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि सरकार का बड़ा फैसला, बदले हाईवे पर टोल टैक्स से जुड़े बड़े नियम, जानने के बाद रहेंगे टेंशन फ्री। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद गलती से फास्ट टैग लेन में चला गया है तो उसे दुगना टैक्स चुकाना होगा। अब कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल 1 लेन उपलब्ध होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने कौन से नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों,
अगली खबर में आपको बता दें कि छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, लोकसभा में पास हुआ 200% जुर्माना लगाने वाला बिल। जी हाँ दोस्तों, छोटे कारोबारी या फिर अपना स्टार्टअप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। नए कानून के मुताबिक अब जो स्टार्टअप एजियन टैक्स छूट का बेजा इस्तेमाल करेंगे उनके लिए सख्त पेनाल्टी लगेगी। सरकार ने फाइनेंशियल बिल के बदलते हुए इस कमाई छिपाने वाले स्टार्टअप का सख्त सजा का प्रावधान किया है ताकि एंजल टैक्स के नियमों का दुरुपयोग को रोका जा सके। एंजल टैक्स में छूट के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टार्टअप पर 200% जुर्माना लगेगा। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में DPII और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एजेंट टैक्स के परेशान स्टार्टअप के लिए यह प्रावधान किया गया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि जेवरात मांग कमजोर होने से सस्ते हुआ सोना चांदी। जी हां दोस्तों, वैश्विक स्तर पर सप्ताहांक पर पीली धातु के कमजोर रहने और स्थानीय जेवराती मांग में गिरावट से दिल्ली सराफा बाजार में सोना शनिवार को 80 रुपये टूट करके 35,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 335 रुपये लुढ़क करके 41,770 रुपये किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।